भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने जो एक नेता प्रतिपक्ष का जो एक रोल होता है वो निश्चित रूप से निभाया। कितना कामयाब हो पाए इन सब चीज़ों में? मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार पर वो भारी भी पड़े, भारी पड़े, लेकिन सरकार पर भारी पड़े हों या हल्के हों, दूसरी ओर अपनी पार्टी में उनका एक मौजूद रहा हुआ है कि आगे आने वाले समय में अगर कांग्रेस हाईकमान नेता प्रतिपक्ष का कोई नेता का चुनाव करती है तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दोबारा वो दाव लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में पिछले दिनों विधानसभा सेशन हुआ, जहां एक ओर सत्तारूढ़ पार्टी ने बहुत से ऐलान किए, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष का एक रोल अदा करते हुए नजर आए। उन्होंने सरकार के हर फैसले पर उसको घेरने की कोशिश की। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जिनसे चर्चा करते हैं कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो नेता प्रतिपक्ष के दावे पर अपना पूरा हक जताते हुए या उस दावे को मजबूत करते हुए नजर आए। मेरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा साहब, पिछले दिनों सेशन हुआ हरियाणा में विधानसभा का, सरकार ने बहुत से ऐलान किए, बहुत से फैसले किए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कहीं ना कहीं एक नेता प्रतिपक्ष की तरह हर फैसले पर बहस करते हुए नजर आए। हर जो फैसला था सरकार का उस पर उन्होंने डटकर बहस की। क्या लगता है कि आपको वो अपने इस दावे को जो नेता प्रतिपक्ष की पीछे बड़े समय से चल रही थी कि कौन हो सकता है नेता प्रतिपक्ष, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष चुना नहीं है, बहुत से लोगों पर चल रहा था कि वो हो सकता है या वो हो सकता है या वो हो सकता है, तो नेता प्रतिपक्ष का जो यहाँ पे रोल अदा करते हुए क्या अपनी जो दावा है उस पर वो जमाते हुए नजर आए? देखिए राजेंद्र जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद एक कांग्रेस पार्टी में एक जद्दोजहद शुरू हो गई थी इस बात को लेकर के प्रतिपक्ष का नेता कौन बनेगा, और उस प्रतिपक्ष का नेता के लिए काफी जो कुमारी सैलजा गुट है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है उनमें आपस में एक कसम कस भी चली, और इस मामले को सुलझाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने एक तीन दल जो सदस्यों का एक ऑब्जर्वर भेजे, तीन, जिसमें अशोक गहलोत थे, अजय माकन थे और प्रताप सिंह बाजवा जो पंजाब के नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के विधानसभा में, तो उनको एक प्रतिपक्ष का नेता का चुनाव करने के लिए तीनों ऑब्जर्वर यहाँ पे चंडीगढ़ में आए और उन्होंने सभी जो कांग्रेस के जो 37 विधायक थे उनसे 1-to-1 बात की, और उसके बाद भी वो निर्णय नहीं ले पाए जो ऑब्जर्वर जो यहाँ पे आए थे नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करने के लिए, उसके बाद भी यहाँ जो अपना निर्णय नहीं ले पाए थे, और उन्होंने अपनी जो एक रिपोर्ट निकल के आई थी तैयार की है वो कांग्रेस हाईकमान को दे दी थी, सौंप दी, और उसके बाद कयास लगने लगे थे कि अभी जो अभी ये 13 तारीख को सेशन जो शीतकालीन सेशन शुरू होना है उससे पहले जो नेता प्रतिपक्ष हरियाणा विधानसभा में तय कर लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस हाईकमान मुझे लगता है महाराष्ट्र के चुनाव है, झारखंड में चुनाव है और कई स्टेट में जो बाई इलेक्शन है उनमें बिजी होने के कारण मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अपने हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई, और अभी कहीं ना कहीं उम्मीद बंधी है कि जो चुनाव खत्म हुए हैं आज, जैसे महाराष्ट्र झारखंड का भी अंतिम चरण का चुनाव है और सभी जो उपचुनाव होने हैं वो सभी आज खत्म होंगे, और इसके बाद कहीं कहीं लग रहा है कि अभी जो ऑब्जर्वर ने जो रिपोर्ट जो एक नेता प्रतिपक्ष के बारे में सौंपी थी वो उस पर कांग्रेस पार्टी विचार करेगी, और अभी आने वाले मुझे लगता है जो बजट सत्र होगा हरियाणा का वो जनवरी फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरू में होता है, तो उससे पहले मुझे लगता है अब टाइम है कांग्रेस पार्टी के पास, वो कहीं ना कहीं तय करेगी। और जब इस सत्र की बात करते हैं तो ये 3 दिन का सत्र पहले रखा गया था, 13, 14 और 18 तारीख के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन सरकार ने कुछ और विधेयक लाने की वजह से और जो जनता से जुड़े हुए मामले थे उनको कहीं ना कहीं उनको एक एक्ट बनाने के लिए, एक नियम बना, कानून बनाने के लिए वो 1 दिन का सत्र और बढ़ाया और 4 दिन चला, जब ये 19 तारीख को भी चला, इस प्रकार से 4 दिन का ये जो सेशन है शीतकालीन सत्र है ये रहा,
हालांकि इसमें एक वो एक जो जो एक हरियाणा सरकार के द्वारा एक प्रदेश में विकास के लिए जो रूपरेखा तैयार की गई थी, उस रूपरेखा का एक वो रखने के लिए, खाका रखने के लिए वो ये सत्र बुलाया गया था। और जो रोड मैप सरकार ने बनाया है उसको गवर्नर साहब के माध्यम से हरियाणा सरकार ने जी रखा है। तो 13 तारीख को माननीय राज्यपाल श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय ने ये रोड मैप के बारे में विधानसभा में बताया और उस पर चर्चा हुई। चर्चा में जो जो रोड मैप माननीय गवर्नर साहब के अभिभाषण में था उस पर चर्चा हुई, और सभी जो विपक्षी विधायक थे उन्होंने अलग अलग अपने अपने विचार रखे, उस चर्चा में भाग लिया। और चर्चा में ही भाग नहीं लिया बल्कि सरकार को कहीं कहीं जैसे कृषि से जो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और जो मतलब हर तरह के जो मुद्दे सरकार के सामने आए और लेके आए वो विपक्षी नेता विपक्षी पार्टियों के जो विधायक थे, और कहीं कहीं उनको घेरने की कोशिश की। और इसमें मुख्य भूमिका जो रही है, जो पहले से ही जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, पहले पूर्व के सरकार के कार्यकाल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री भी 10 साल रहे हैं, और मुख्य भूमिका नेता प्रतिपक्षी मुझे लगता है उन्होंने बखूबी निभाई है। और ऐसा लगता है कि कहीं कहीं जो पिछले कार्यकाल में भी से भी वो कहीं कहीं इस कार्यकाल में अपने अपने भूमिका को लेकर कहीं कहीं सरकार पर भारी पड़े हैं, उन्होंने बहुत से मुद्दे उठाए हैं और सरकार को कहीं कहीं घेरने का प्रयास उन्होंने किया है। तो जिस प्रकार से एक्सटेंशन लेक्चरर की नियुक्ति का मामला था, जो जो हरियाणा सरकार ने जो एक विधेयक लेकर आई है इस मामले में कि उनको अभी 50 साल 58 साल तक किसी प्रकार से हटाया नहीं जाएगा, नहीं जाएगा बल्कि ठीक। रोजगार की गारंटी दी गई है। और इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के इस निर्णय को पे चर्चा करते हुए कहा कि ये तो सरकार ये तो सिर्फ ना हटाने की गारंटी दे रहे हैं, पक्की रोजगार की गारंटी कब देंगे। तो ये मामला बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि 15 15 20 20 साल से जो जो लेक्चरर एक्सटेंशन पे या ठेके पर लगे हुए हैं उनको जी पक्का न करने का। हाँ तो ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मामला उठाया, ये कहीं ना कहीं काफी जो मुझे लगता है हजारों की संख्या में ऐसे लेक्चरर हैं उनकी बात को उठाया और सरकार को कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास किया। इसी प्रकार से जो रोजगार कल्याण निगम, जो हरियाणा रोजगार कल्याण निगम, उनके द्वारा जो 1,20,000 जो कर्मचारी लगाए गए हैं, सरकार ने उनको भी 58 साल तक न हटाने का एक गारंटी दी है, उनको पक्का किया है। लेकिन दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको पक्का करने की मांग की, तो सरकार ने ये कहा कि इनको किसी तरह से हटाया नहीं है, किसी भी तरह से 58 साल तक हटाया नहीं जा सकेगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसकी अपने जो वो कर्मचारी हैं निरंतर उनको पक्का करने की मांग की। और ये भी कहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले पर, ये भी कहा कि जो हरियाणा रोजगार कल्याण निगम है, जी हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसमें किसी भी तरह की जो आरक्षण की नीति नहीं अपनाई जा रही है, और इसके साथ साथ ना ही इसमें कहीं न कहीं जो उनकी सैलरी है उनकी बढ़ोतरी को करने का ख्याल रखा जा रहा है। और कई प्रकार की जो खामियां जो इसमें रही हैं विपक्ष के हिसाब से वो उन्होंने उठाई, और आरक्षण न होने के कारण जो एक सरकार के सामने बार बार ये मुद्दा आ रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो अपने जो विधानसभा के माध्यम से ये उठाई है। जी और इसके साथ साथ और जो कृषि और किसानों से जो जुड़े हुए मुद्दे, जैसे आजकल आप डीएपी का मुद्दा है, डीएपी के मुद्दे पर डीएपी का मुद्दा, सरकार हाँ बहुत बड़ा मुद्दा है को घेरने की जी। कोशिश की है मजबूती से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी जो एक नेता प्रतिपक्ष का जो एक रोल होता है वो निश्चित रूप से निभाया कितना नहीं। कामयाब हो पाए इन सब चीजों में वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार पर वो भारी भी पड़े भारी हैं, पड़े हैं। लेकिन सरकार पर भारी पड़े हों या हल्के हों, दूसरी ओर अपनी पार्टी में उनका एक वजूद रहा हुआ है कि आगे आने वाले समय में अगर कांग्रेस हाईकमान नेता प्रतिपक्ष का कोई नेता का चुनाव करती है तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर दोबारा वो दाव लगा सकती है। एक चीज और देखने को मिली इस विधानसभा सेशन में,
जब भी कांग्रेस के किसी नेता ने कोई बात रखी तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे उन्होंने उस बात को पक्का किया और पूरी तरह से उस विधायक के साथ या उसका उसके साथ खड़े हो गए। तो इससे क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो अपना नेता प्रतिपक्ष का जो रोल है उसको अदा करने की कोशिश कर रहे थे, उस चीज को मजबूती दे रहे थे, या वो साथ साथ कांग्रेस को भी हरियाणा में मजबूती देने की कोशिश कर रहे थे? देखिए निश्चित रूप से राजेंद्र जी, अब नेता प्रतिपक्ष का पद ऐसा होता है जो एक उससे यह तय होता है कि पार्टी पार्टी के लीडर होंगे और पार्टी इनके नेतृत्व में काम करेगी, चाहे कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक हैं वो उनके नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश में काम करेंगे और उन्होंने इस जो अपने समर्थन लेने के लिए सभी विधायकों का बार बार जब भी कांग्रेस पार्टी या कोई भी विधायक विधानसभा में चर्चा करता था या सरकार को किसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश करता था तो कहीं ना कहीं जब भी अगर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उस पे सरकार के मंत्री हावी होते थे तो बीच में निरंतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं। हाँ। चाहे गीता बुक्कल और जो कृष्ण बेदी वाला जो का मामला हो, आरक्षण के वर्गीकरण पर जो वो गीता बुक्कल बोल रही थी तो कृष्ण बेदी एकदम तम तपाए और उनको कहीं कहीं रोकने की कोशिश की, तो इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना जो प्रतिपक्ष के एक नेता का वो रोल अदा किया और कहीं कहीं मुझे लगता है सरकार को पीछे हटना पड़ा इस मामले में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं कहीं अपना जो एक रोल होता है वो नेता प्रतिपक्ष का मजबूती से कहीं कहीं खड़े दिखाई दिए अपने नेता अपने जो विधायकों के साथ। तो क्या लगता है कि अभी जब चुनाव होंगे, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तो होना ही है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी दावेदारी को और मजबूत कर सकते हैं, वहां पे दावेदारी ठोक सकते हैं अपनी? निश्चित रूप से एक उनको एक उन्होंने ये प्रायर प्रैक्टिस करने का मौका मिला है, जो चार दिन का जो विधानसभा सत्र था और इसमें उन्होंने एक दिखाने का कोशिश किया, अपने विधायकों को भी साथ रखने का उन्होंने प्रयास किया कि और ये भी दिखाया भी है कि कहीं कहीं वो सारे के सारे विधायक उनके साथ उसके साथ हैं और ये एक जो कांग्रेस हाईकमान है उस पर कहीं ना कहीं वो इस सत्र की जो गतिविधियां रही हैं उनके माध्यम से वो कहीं कहीं दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से जैसे पहले हम बात करते हैं तो जो नेता प्रतिपक्ष के जो चुनाव की बात हो रखी थी तो कुमारी शैलजा की तरफ से चंद्रमोहन का नाम सामने आ रहा था तो ज्यादातर जो सवाल पूछने का जो समय था वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जो उनके जो समर्थक विधायक थे उनको ज्यादा समय मिला, हालांकि उनको जो भूपेंद्र कुमारी शैलजा के समर्थक विधायक थे उनको कहीं ना कहीं कम समय मिला। ऐसे में वो जो उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक थे उनको जो समय मिला उस समय में भी उनका कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका अपने जो चर्चा करने का अपने बीच में इंटरफेरेंस करने का उन्होंने लाभ उठाया और कहीं कहीं वो चारों दिन लाइट में पड़े रहे। और मुझे बताइए, अगर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं तो क्या वो पिछले अपने 10 साल का जो समय रहा है, कांग्रेस के जो हालात रहे हैं और इस बार की जो हार है उससे सबक सीखकर कांग्रेस को एकजुट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं हरियाणा में? देखिए अभी भी उन्होंने एक अपने जो उनके कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में जो विकास हरियाणा का हुआ है उस विकास के बारे में बताया कि कितने उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि मेरी सरकार के कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इतने कॉलेजेस बनाए गए, इतनी यूनिवर्सिटी बनाई गई, इतने आईआईटी और आईटीआई बनाए गए, तो सभी तरह के जो विकास कार्यों का एक खाका भी रखा उन्होंने और उन्होंने तुलना करने की कोशिश की कहीं ना कहीं जो वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनकी कार्यकाल से और उनके कार्यकाल से आपस में, तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना था कि हमारी सरकार ने बहुत कहीं कई गुणा हरियाणा में काम किया है। लेकिन इस तरह की जो गतिविधि उनकी थी रही है अपने जो 10 साल के कार्यकाल उनके जो विकास कार्य गणवाने की कहीं ना कहीं ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था उनका और कहीं ना कहीं इससे भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस हाईकमान है उनकी पार्टी की हाईकमान है उस पर कहीं ना कहीं एक दबाव पड़ेगा कि नेता प्रतिपक्ष का पद के नेता का चुनाव करते उनका नाम कहीं ना कहीं सामने रखा जाए।
नहीं, मेरा मेरा एक सवाल और था बीच में कि एक तो सवाल आपने जवाब दे दिया कि वो अपने दावे को मजबूत करते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं उसकी उनकी ये परफॉर्मेंस जो है ये हाईकमान तक पहुंचेगी और बाकी जो नेता है वो उनको नेता प्रतिपक्ष जो है उसके दावे के लिए मजबूत दावेदार मान सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो जग जाहिर है। अगर नेता, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का काम यह होता है कि पूरी पार्टी को जोड़े रखता है अपने साथ, और पिछले 10 साल का जो समय रहा है या इस बार की जो हार रही है उससे सबक सीखकर क्या पार्टी को एकजुट करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं हुड्डा? देखिए, फिलहाल की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में बहुत खस्ता हालत कह सकते हैं। हालांकि उनके पास विधायक है, मजबूत एक विपक्ष भी है, लेकिन मजबूत विपक्ष होने के साथ साथ अभी भी उनकी गुटबाजी से कांग्रेस पार्टी उभर नहीं पाई। और नेता प्रतिपक्ष का दावा मजबूत करने से कहीं ना कहीं उनका ये प्रयास है कि गुटबाजी कहीं ना कहीं खत्म हो, लेकिन गुटबाजी यहाँ मुझे नहीं लगता है इस प्रकार से नजदीक भविष्य में गुटबाजी खत्म होने वाली है जी। क्योंकि जो अभी तक जो एक लगभग एक महीना सरकार को बने हुए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, तो ये मुझे लगता है इस समय और लंबा चलेगा। और कह सकते हैं अभी तो हम यही कह सकते हैं कि जो शीतकालीन वो बजट सत्र होगा उससे पहले शायद कांग्रेस पार्टी कर ले, लेकिन जितना भी डिले इनका इस कार्यक्रम इसमें नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में देरी होती है वो कहीं कहीं गुटबाजी का और ज्यादा कहीं कहीं वजह बन सकती है उन चीजों की। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में जो संगठन नहीं है अभी तक, और संगठन बढ़ाने में भी लगातार पिछले मुझे लगता है 10 साल से कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है, उसी वजह से कांग्रेस पार्टी की दुर्गति होती जा रही है, निरंतर होती जा रही है। और संगठन बढ़ाने में भी एक जब नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में इतना जद्दोजहद इतनी कसम कस पार्टी में हो रही, तो मुझे लगता है संगठन खड़ा करने में बहुत दिक्कतें, बहुत बहुत मुश्किल का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। और अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी, बड़ा मनोबल आई है भारतीय जनता पार्टी की, बिल्कुल, और हर तरह से वो उनको कहीं कहीं दबाने का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहीं कहीं दबाने का काम करेंगे। और ये देखना लगातार तीसरी बार हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लगातार तीसरी बार किसी पार्टी की जो है सरकार बनी, तो उनका मनोबल हाई होना तो अपने आप में बनता भी है, बिल्कुल जी। तो हालांकि जो एक इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, कहीं कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत कमजोर भी हुए हैं जी, जिन वोटर्स पे जिन मतदाताओं पे उनका एक अधिकार समझते थे, वो किसान मतदाताओं पर, जाट मतदाताओं पर एक अधिकार समझते, उन मतदाताओं का कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मन खट्टा भी हुआ है। क्योंकि इस चुनाव में ये देखा गया है कि जो उनका मतदाता था जिस पर एक अधिकार मानते थे किसान मतदाता, वो कई गुटों में बंटा है, और इस बिखराव के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव आ रही है जी। तो आगे भी अगर इन मतदाताओं का कहीं कहीं विश्वास भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्राप्त करना है, तो मुझे लगता है स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, और जो कुमारी सैलजा हैं उनको कहीं ना कहीं विश्वास में लेना पड़ेगा जी। सो दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा सत्र हुआ और कहीं ना कहीं जो विपक्ष का रोल था वो बहुत अच्छे से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उसको पूरा करते हुए नजर आए। लेकिन अगर वो नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो क्या वो हरियाणा में जो कांग्रेस का संगठन है उसको मजबूत करने के लिए काम करेंगे? क्या गुटबाजी खत्म हो सकती है? यह सब बातें जानने के लिए देखते रहें हर प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।